दलित मुस्लिम एक मंच के बैनर तले आज महागामा में जन आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली केंचुआ चौक से शुरू हुई, महागामा मेन रोड होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची और महागामा प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश को ज्ञापन सौंपी गई। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक तबरेज को भीड़ ने मारकर जान ले ली, उसके विरोध में यह रैली निकाली गई। NSUI के जिलाध्यक्ष मुन्ना राजा ने बताया कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गई है, मासूमों की जान ली जा रही है। जिस प्रकार विगत 4 वर्षों में झारखंड में भीड़ ने 18 लोगों की जान ली, जिसमें 11 अल्पसंख्यक हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। उन्होंने यह भी बताया कि अगर सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो इससे भी बड़ी उग्र आंदोलन की जाएगी। मॉब लिंचिंग का विरोध जारी रहेगा। गोड्डा नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने अपने 20 सूत्री मांगों को लेकर अशोक स्तंभ पर धरना दिया और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कहा, हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो, नहीं तो यह आंदोलन उग्र रूप से होगा। आज ग्राम मड़पा एवं खिरोधा ग्राम में जीविका मंडल के महिला ग्राम संगठन का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष बलराम कुमार कुशवाहा एवं BAP ब्लॉक एंकर प्रश्न मनोज शाह गौतम कुमार एवं सखी मंडल के बहनों के साथ किया गया। प्रत्येक ग्राम में 10 से 12 ग्रुप होते हैं और एक ग्रुप में 12 से 15 महिलाएं होते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रशिक्षण देकर प्रथम किस्त में 50,000 रुपए देंगे, आगे कार्य के अनुसार सरकार पैसा देगी। महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षित विकासशील बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। पुलिस लाइन में IRB जवानों ने आज योगदान किया है। गोड्डा जिला को IRB के 8 बटालियन मिले हैं। टोटल 636 जवानों का योगदान लिया जाना है। नई सोच और नई पहल के साथ गोड्डा जिले में पहली बार डी बोर्डिंग की सुविधा वाला एकमात्र स्कूल भारत भारती पब्लिक स्कूल गोड्डा। IITians और NITians फैकल्टीज द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, प्रकृति की गोद में बसा भारत भारती पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखी जाती है। CCTV, बस की सुविधा, छोटे बच्चों के खेलने के लिए गार्डन जहां कई तरह के झूले लगे हैं। शिक्षा की जिम्मेदारी ही है समझदारी। भारत भारती पब्लिक स्कूल।